नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम को दी श्रद्धांजलि, कहा जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर रखा गया बीजेपी का झंडा, कांग्रेस टीएमसी ने उठाए सवाल। श्रीनगर के सफाक दल में आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, दो पुलिसकर्मियों सहित 3 घायल। कश्मीरी विस्थापितों को वापस मिलेगी उनकी पुश्तैनी जायदाद, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम। पराली जलाने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश, सीएक्यूएम ने राज्यों से कहा लागू कराए प्रोटोकॉल। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी, ट्रायल में टीके की दोनों डोज देने का काम पूरा। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत बोले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही होगा मुसीबतों का अंत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा भारतीय नागरिकता के इंतजार में मर गए अमृतसर में बसे कई अफगान हिंदू और सिख शरणार्थी। पश्चिम बंगाल के बंटवारे को लेकर बीजेपी के नेता दो धड़ों में बटे, दिलीप घोष ने किया समर्थन तो राहुल सिन्हा ने बताई साजिश। नारायण राणे के बयान पर एकनाथ शिंदे का पलटवार, बोले एमवीए सरकार में फूट डालने की हो रही है कोशिश। अफगानिस्तान से लोगों को भारत लाने का मिशन जारी, दो लोग अफगान सांसदों में समेत 392 लोगों को भारत लाया गया, अफगानी सांसदों ने भारत को कहा धन्यवाद। अलगार परिषद केस में एनआईए के आरोप पत्र में देश के खिलाफ युद्ध छोड़ने की साजिश का जिक्र, लेकिन पीएम को मारने का नहीं। नियोजन नियमावली पर हेमंत सरकार को घेरेगी भाजपा, तैयार हो रही है आंदोलन की रणनीति। तारीख हुर्रियत का सियासी दुकान बंद, गिलानी के घर के बाहर लगा तारीख हुर्रियत का बोर्ड हटा। तेज प्रताप ने अब आरजेडी में दे डाली महाभारत को चेतावनी, सदमे में लालू प्रसाद यादव। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय ने दी बड़ी झूठ, बिना टेस्ट के स्वतंत्र निदेशक बन सकेंगे प्रोफेशनल। माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सिको समेत 3 अमेरिकी कंपनियां यूपी के 7500 लोगों को देंगी रोजगार। जातिगत जनगणना यानी वोट बैंक बढ़ाने की बेताबी, भाजपा के वोट प्रबंधन से कांग्रेस को भी डराया। जन्माष्टमी पर बिक्री के लिए आई थी तस्करी कर श्री कृष्ण की बेशकूफ कीमती मूर्तियां, लखनऊ पुलिस ने मूर्ति तस्करों को किया गिरफ्तार। कल्याण सिंह के नाम पर होगा राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम, जल्द पास होगा प्रस्ताव।
दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चढ़ा अमृत महोत्सव का रंग, पूरे साल प्रसारित होंगे विशेष कार्यक्रम। कानपुर में दरोगा ने विधायक के खिलाफ डाला तस्करा, ग्वाला टोली थाने में हुई थी नोकझोंक। नेपाल के पानी से यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, नौगा बस्ते में के चारों ओर फैला पानी। मदन मोहन मालवीय में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बनेगा अलग हॉस्टल, 14 करोड़ रुपए जारी। अमरोहा में शराब पीकर गाली दे रहे युवक को टोका तो परिवार पर किया हमला, पथराव और फायरिंग में 8 लोग घायल। अमरोहा में घर पर फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। संबल में महिला को बंधक बनाकर लाखों की चोरी, ग्रामीणों के विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरी की 10 बाइक समेत 2 ऑटो लिफ्टर का किया गिरफ्तार, 3 की तलाश तेज। औरैया में पेड़ से लटका मिला मजदूर का शव, स्वजन ने कहा किसी ने मार कर लटकाया। वाराणसी कैंट स्टेशन पर बनेगी 3D कलाकृतियां, दिखेगी काशी की कला और संस्कृति। बिना खर्च कमाई करेगा गोरखपुर नगर निगम, निजी कंपनी से हुआ करार। कानपुर में 80 फीट रोड में मकानों के गिरने का खतरा, तेजी से धस रही मिट्टी को रोकने के लिए नहीं लगाई शटरिंग। किसान आंदोलन ने फिर बढ़ाई जम्मू और पंजाब में फंसे यात्रियों की मुसीबत, रेलवे ने रद्द की और ट्रेनें। गन्ना किसानों को राहत देने के लिए यूपी सरकार का एक और कदम, ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में दिक्कत पर पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा विपक्ष को पूरी तरह निशस्त्र करने की रणनीति पर कर रही है काम। लखीमपुर में चुनावी रंजिश में पंचायत पित की धारदार हथियार से काटकर हत्या, 2 लोग हुए गिरफ्तार। रक्षाबंधन पर सरकार की निःशुल्क सेवाओं का बहनों ने लिया लाभ, बस स्टेशन पर महिला यात्रियों की भारी भीड़। एक जनवरी 2006 से पहले मृत्यु पर भी मिलेगी ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन, सशस्त्र बल अधिकरण ने दिए आदेश। गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फटने से महिला समेत 2 की मौत, मामले में लापरवाही जिम्मेदार। वाराणसी के मंडली हॉस्पिटल में बढ़ाए जाएंगे फिजिशियन, डॉक्टरों की कमी पूरा करने को लिखा पत्र। रक्षक डिवाइस से लैस होंगे लखनऊ मंडल के ट्रैक मेंटेनर, अनोखा डिवाइस बचाएगा हादसा।
सितंबर माह में प्रियंका गांधी वाड्रा का 6 चरण में चुनावी अभियान, लोगों संग होगा जनसंवाद। जौनपुर में बेसहारा पशुओं से निजात का आदेश, हवा हवाई मासिक समीक्षा बैठक में प्रकरण पर मंथन। गोरखपुर में बनेंगे 7 नए बिजली घर, खत्म होगी लोकल फॉल्ट व लो वोल्टेज की समस्या। अवस्थापना निधि से गोरखपुर को चमकाएगा जीडीए, 27.32 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्रतापगढ़ में 3 युवकों की मौत, हादसों में 2 की गई जान, व गायब राजगीर का तालाब में मिला शव। प्रयागराज के गांव में बनाए जाएंगे स्मृति उपवन, 32 स्थल हुए चिन्हित। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक बोले, तालिबान के साथ खड़े होने वालों का सामाजिक बहिष्कार हो। मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात की कुलपति बोली, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन से होगा श्रेष्ठ भारत का निर्माण। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज को रक्षा सूत्र बनाकर लिया राष्ट्र की रक्षा का संकल्प। प्रयागराज में 6 इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का निर्माण कराने के लिए एनजीओ आए, आगे मशीनरी मुहैया कराने का प्रस्ताव। मेरठ में हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसे में युवती सहित 4 लोगों की मौत। बिजनौर में रक्षाबंधन पर टूटा कहर, हादसों में मां बेटी और बेटे सहित 5 लोगों की मौत। सोनभद्र में योगी सरकार में अधिकारी कर रहे जमकर भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में अब तक लाभार्थियों को नहीं मिला है कोई लाभ। आगरा में दबंगों का दिखा आतंक, दबंगों ने जमकर मारपीट की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में दबंगों ने की महिला पर अभद्र टिप्पणी, विरोध करने पर जमकर हुई मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरैया में 2 दिन से गायब युवक का तालाब में मिला शव, शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। हमीरपुर में मां बेटी का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी पुलिस का सराहनीय कार्य, 2 बदमाशों को किया 2 दिन में गिरफ्तार। आगरा में बेखौफ युवक के हौसले बुलंद, घर में घुसकर महिला से की छेड़छाड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में शिवराज सिंह ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कल्याण सिंह का आज अंतिम यात्रा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की हुई शुरुआत, सदन में हंगामे के आसार।
सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, कांग्रेस ने बनाई अपनी रणनीति। रुड़की में खुला नया हेल्थ केयर क्लिनिक, लोगों को मिलेगी हर सुविधा। चंपावत में 7 मिनट तक खेला गया बग्वाल युद्ध, कोविड नियमों का हुआ पालन। बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद सैनिकों की तैनाती पर हो रही है चर्चा। बाइडेन को तालिबान पर नहीं भरोसा, अभी तक काबुल से इतने अमेरिकी नागरिक किए जा चुके हैं एयरलिफ्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान और आईएसआई की अहम भूमिका, शीर्ष अमेरिकी नेता का हमला। अफगानिस्तान से नागरिकों की वापसी के लिए जापान ने भेजा सैन्य विमान। ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन ने ली देश में विकसित पहली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। काबुल गुरुद्वारे में फंसे हैं 260 अफगान सिख, अमेरिकी सिख निकाय ने निकालने में मांगी मदद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले संकट से निकलने में अफगानिस्तान की मदद करे वैश्विक समुदाय। ग्वादर समुद्र से चीन के मछली पकड़ने के विरोध में प्रदर्शन, इमरान सरकार से तत्काल लाइसेंस रद्द करने की मांग। सिख तीर्थयात्रियों के लिए खुला करतारपुर, पाकिस्तान ने दोनों डोज ले चुके सिख तीर्थयात्रियों को दर्शन करने की दी मंजूरी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से किया निलंबित। तहरीक तालिबान के पाकिस्तान विरोधी कदमों को रोकने के लिए तालिबान ने बनाया आयोग, टीटीपी नेताओं को चेताया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्व अधिकारी को पार्टी से निकाला, वफादार ना होने का लगाया आरोप। तालिबान को मान्यता दिलाने में जुटे चीन और पाक के विशेषज्ञों को दी चेतावनी। चीन के परमाणु परीक्षणों से पैदा हुए रेडिएशन से मारे गए 1.94 लाख लोग, एक रिपोर्ट में किया गया सनसनीखेज दावा। अफगानिस्तान की भूलभुलैया है पंजशीर, तालिबान के लिए आसान नहीं है इस पर कब्जा करना। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान फोर्स और अज्ञात हमलावरों के बीच गोलीबारी, एक जवान की मौत। पंजशीर के लड़ाकों ने किया 300 तालिबानियों को मार गिराने का दावा, मसूद का सरेंडर से इनकार। अहमद मसूद का ऐलान, तालिबान के साथ जंग और बातचीत दोनों के लिए है तैयार।
दक्षिण अफ्रीका में दंगे के बीच भारतीयों को बना रहे हैं निशाना, देश छोड़ने का मिल रहा है मैसेज। काबुल में चीनी दूतावास का अपने नागरिकों को आदेश, अफगानिस्तान में इस्लामिक ड्रेस कोड का करें पालन। ग्रेटर नोएडा के 900 हेक्टेयर जमीन पर अब बसाए जाएंगे 8 नए औद्योगिक सेक्टर, उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। आईबीए ने आरबीआई से मांगा बैड बैंक का लाइसेंस, सितंबर या अक्टूबर में मिल सकती है मंजूरी। हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखेगी गेल, अपनाएगी अधिग्रहण का रास्ता। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एएआर ने कहा कैंटीन चार्ज पर नहीं लगेगा जीएसटी। इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को वित्त मंत्रालय का समन, समन में उनसे पोर्टल में आ रही गड़बड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया। भारत की एक और एथलीट ने किया कमाल, लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट में चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से चूकी गोल्ड। कोविड-19 के सख्त नियमों के बीच होगा ओलंपिक खेलों का प्रदर्शन, 136 देश 3686 एथलीट 13 दिनों तक मेडल्स के लिए करेंगे प्रदर्शन, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा इसका आयोजन। आईपीएल फेज 2 से पहले विराट कोहली की टीम में हुए बड़ा बदलाव, कैटिज की जगह माइक हेसन ने बनाया गया टीम का नया कोच। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर किया कब्जा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त अजीजुल्ला फाजली बने चेयरमैन। इंग्लैंड ने एक पारी में ठोके 900 रन, फिर दर्ज की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत। कंगना रनौत को थलावी ओटीटी के रिकॉर्ड प्राइस मिलने के बावजूद सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ट्रिपल आर की रिलीज को लेकर आई बड़ी खबर, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजामौली से फिल्म की रिलीज डेट टालने की अपील। केजीएफ 2 की रिलीज डेट आई सामने, हम 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। नीना गुप्ता ने पूरी की फिल्म शिव शास्त्री बाल्बो की शूटिंग, शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो। टाइगर श्रॉफ की गणपत पार्ट 1 23 दिसंबर 2022 को होगी रिलीज। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।